नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश के एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैन यामीन सिद्दीकी को योगी का टैटू गुदवाने के कारण विरोध का सामना करना पड़ा है। यामीन सिद्दीकी को अब जान से मारने की धमकी मिली है। इस रिपोर्ट में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवाकर सुर्खियों में आया यामीन को आज शांति भंग करने के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ गई है। शांति भंग करने के आरोप में योगी के मुस्लिम प्रशंसक को एटा जनपद की थाना नया गांव पुलिस ने जेल भेजा है। योगी के प्रशंसक यामीन ने एटा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यामीन के जेल जाने पर पुलिस ने कहा है कि यामीन बवाली है। एटा जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक एवं भाजपा कार्यकर्ता यामीन सिद्दीकी को शांति भंग करने के आरोप में जेल भेजा गया है। योगी प्रशंसक यामीन पर आरोप है कि उसने बकरी ईद के त्योहार पर शांति और सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, जिसके आरोप में नया गांव थाना पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में उसको जेल तो भेजा। हाल ही में यामीन सिद्दीकी सीने पर योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवा कर नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आया था। बाद में यामीन सिद्दीकी ने जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। हालांकि टैटू बनवा कर यामीन सिद्दीकी विवादों के घेरे में रहे और काफी सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुए थे। पहले यामीन सिद्दीकी पर समाजवादी पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होने के आरोप लगे थे, जिसके प्रमाण सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल भी हुए। योगी प्रशंसक यामीन सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि उनके कस्बा सराय अगहत में रविवार को बकरी ईद की नमाज पढ़कर लौटने पर कस्बे के ही दो लोगों ने धमकाया। आरोप है कि उन लोगों ने यामीन को मस्जिद आने पर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, यामीन को योगी भक्त बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुरा भला कहा। यामीन के मुताबिक रविवार की सुबह वो कस्बा की ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए गया। नमाज पढ़ने के बाद लौट रहा था, तभी रास्ते में लाला वारसी और उसके भाई शाहरुख ने उसको घेर लिया। धमकी देते हुए उसने कहा कि तू बहुत बड़ा योगी का फैन बनता है। मुख्यमंत्री के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यामीन को शांति भंग करने के आरोप में जेल जाते वक्त नया गांव थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यामीन ने बताया कि उसने घटना से संबंधित शिकायत थाना नया गांव को लिखित रूप से की थी। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को ट्विटर हैंडल पर टैग करते हुए घटना के बारे में अवगत कराया था। यामीन ने उल्टा नया गांव थाना पुलिस पर हिरासत के दौरान मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। यामीन सिद्दीकी ने कहा कि मुझे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशंसक होने की वजह से इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। यामीन ने कहा, पूरे मामले को लेकर वो सूबे के योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और उनकी शिकायत करेंगे। जेल जाते वक्त योगी प्रशंसक यामीन सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें, इस मामले पर थाना प्रभारी सुनील कुमार श्रीवास्तव से जब बातचीत की गई, उन्होंने बताया कि अपने आप को योगी का प्रशंसक बताने वाला यामीन बवाली किस्म का व्यक्ति है। शिकायत पर जांच की गई थी, जांच में उल्टा यामीन ही दोषी पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए शांति भंग के आरोप में यामीन सिद्दीकी को SDM न्यायालय ने जेल भेज दिया है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। We'll be right back.